32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा मैं और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया आदेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है, सब लोग धन्यवाद दे रहे। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर, कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर हम लोग गवाही की थी, जीरा दी किया था और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है, हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? इसकी बात हो चुकी है। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा और हम सब लोग चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, दो तीन गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करे और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करे। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।